बहराइच जिले के विकासखंड मिहीपुरवा के ग्राम जालिम नगर के मजरा मोगल हनपुरवा गांव में गुरुवार दोपहर लगभग 4 बजे छोटे पुत्र झींगुर के घर में बच्चों के लिए दूध गर्म करते समय छप्पर में आग लगने पर चल रही तेज पछुआ हवा के कारण लगभग आधा गांव देखते ही देखते तेज लपटों के साथ जलने लगा। जब तक लोग कुछ समझ पाते पूरी गृहस्थी जल कर राख हो गई। तेज हवा के कारण लोग कुछ भी सामान नहीं निकाल सके। गाँव में हुए अग्निकांड में एक मवेशी की जलकर मौत हो गई तथा आधा दर्जन लोग आग बुझाने में जलकर घायल हो गए। ग्रामीणों के अनुसार लगभग 25 लाख के जेवर तथा नकदी जलने का अनुमान है। गांव का जला भाग अभी भी आग के गोलों की तरह सुलग रहा है। ग्रामीणों ने आग पर काबू ना पाते देख सूचना एसडीएम मिहीपुरवा संजय कुमार को दी। एसडीएम ने नानपारा दमकल को सूचना देते हुए लखीमपुर खीरी के तहसील धौरहरा से दमकल विभाग की मदद मांगी तथा नायब तहसीलदार अरसलान रशीद के साथ पूरी तहसील की टीम के साथ मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव का कार्य शुरू कराया। मोतीपुर के प्रभारी निरीक्षक मुकेश कुमार सिंह पुलिस टीम के साथ और स्वास्थ्य विभाग की टीम मोगल हनपुरवा गाँव पहुंचकर आग से जले लोगों की मदद में लगे हुए हैं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।